मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિશન ઇલેક્શનમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે મિશન ઇલેક્શનમાં ચર્ચા કરવા માટે રાજીવ સાતવજી. રાજીવજી, આપકા સ્વાગત હે. ધન્યવાદ. કુછ માહોલ નહીં જમ રહા હૈ, દિન કમ હૈ, વક્ત કમ હૈ, માહોલ તો લેકિન લોગ કહે રહે કે માહોલ નહીં જમ રહા હૈ, જો ગ્રાઉન્ડ મેં દિખના ચાહીએ. ક્યા ક્યા પ્રોબ્લેમ હૈ? કોંગ્રેસ સીધા ગ્રાઉન્ડ પે નહીં દિખ રહી હૈ, સભાએ કમ હો રહી હૈ, સભાએ હો રહી તો પબ્લિક કમ આ રહી હૈ, ક્યા લગ રહા હૈ રાજીવજી? માહોલ તો જમ ગયા હૈ, ઓર માહોલ તો 2017 મેં હી જમ ગયા થા. चंद सीटों से हम 17 में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उस वक्त जो कमी रही उसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से हम काम किया है. और मुझे आप पूछोगे तो माहौल जम गया है. और आपने देखा होगा कि 84 के बाद सबसे अच्छे नतीजे 2017 में कांग्रेस के लिए आए, तो उससे अच्छा परिणाम इस बार लाने की दिशा में हम जा रहे हैं. जिस प्रकार से बूथ पर काम करने की ज़रूरत है वो हुई है. जो युवा साथी है, किसान है, खेडूत है, इनके साथ जो वर्कआउट करने की ज़रूरत है वो भी हुआ है. और ख़ास तौर से पिछले 1 साल में ये सरकार ने जो जो आश्वासन दिए थे उसमें कोई काम नहीं हुआ है. आपने 17 की बात की, सीधा 17 पे याद है क्योंकि आपका फेवरेट जो टाइम था, मेरे हिसाब से मोस्ट परफॉर्मिंग एरा बोलते हैं राजीव जी का, वो 2017 था. 2017 में सौराष्ट्र की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, पूरा गुजरात भी नहीं था, स्पेसिफिक फोकस किया था आपने सौराष्ट्र की सीट पर. मुझे ये जानना है कि क्या स्ट्रेटजी रादर, क्योंकि गुजरात में आज से पहले, आपके आने से पहले कांग्रेस के जो भी बड़े नेता आते थे प्रभारी के तौर से या तो यहाँ के प्रदेश प्रमुख थे, वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि क्या करें, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मोदी के सामने लड़ नहीं सकते, मोदी के सामने जीत नहीं सकते. गुजरात में कहीं पर भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट पर जाओ, तालुका जिला कहीं पर भी जाओ, तो उनको लगता था कि ये भाजपा का ही ग्राउंड है, तो डर था उनको, पाँव रखने का भी डर था. राजीव जी ने ऐसी टेरिटरी पसंद की सौराष्ट्र, वहाँ पे परफॉर्म भी किया. मुझे 17 की, क्योंकि बात करेंगे लोकसभा की, लेकिन 17 में क्या स्ट्रेटजी रही थी राजीव जी की, क्यों लगा राजीव जी को ये पॉजिटिव? इसका कारण ये था कि जब पंजाब में मैं, अशोक गहलोत जी, हम पंजाब की स्क्रीनिंग कमेटी में थे, उसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई थी. तब मेरी भी ये सोच थी कि भाई मैं गुजरात में जाके क्या कर सकता हूँ. लेकिन राहुल जी का ये ऑब्जर्वेशन था कि गुजरात में कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड है और वहाँ पर हमने अगर थोड़ा सीरियसली काम करें तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये विश्वास लीडरशिप के मन में था. अब जैसे गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर थे, वो आए, हम सब लोग आए, जुड़े, काम करने लगे. जब लोगों में जाते गए तो ये समझ में आया कि आक्रोश तो भारी है, सिर्फ कांग्रेस ने वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है. और सबके साथ बैठने के बाद ये काम भी हुआ, यानी ये कोई मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, गुजरात के सभी सीनियर लीडर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का कंट्रीब्यूशन है कि जो हम बार बार बैठ गए, डिस्कशंस होते गए, कैंडिडेट का चयन ठीक ठाक हुआ, आपस के मनमुटाव हम कम कर पाए और उससे वो रिजल्ट आया. वही लाइन हमने ये लोकसभा के लिए भी रखी है, सबके साथ बात करके जितना कंसेंसस कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया है. और मैं आपको वादे के साथ कहना चाहूँगा, दावे के साथ, मेरा बहुत क्लियर विश्वास है कि हम 2019 का लोकसभा का जो रिजल्ट रहेगा गुजरात के अभी तक के कांग्रेस के रिजल्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट. आपने बताया कि राहुल जी के दिमाग में आया कि गुजरात पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, तो क्या राजीव जी, सीधा सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर दिल्ली में बैठे बैठे पूरे 1 साल में 1-2 विजिट राहुल जी अगर गुजरात में कभी कभी कर भी लेते थे, 17 से पहले की बात करूँ, तो राहुल जी को वहाँ बैठे बैठे वहाँ मालूम पड़ा, जो सेंस आई, गुजरात में बैठे हुए इतने सालों से सीनियर लीडर्स के दिमाग में भी नहीं आता था क्या कि ये पॉजिटिविटी है यहाँ पे, कि अगेन वही डर से रहे हुए थे ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं. देखिए, ये इनपुट कहाँ से आएगा? ये इनपुट हवा से तो नहीं आएगा, ये इनपुट सीनियर लीडर्स की तरफ से राहुल जी के पास आया था. लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वो कैंपेन को लीड किया, राहुल जी खुद घूम रहे हैं, सीनियर लीडर साथ में जा रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहा है, लोगों की बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राहुल जी का भी इसमें इनिशिएटिव रहा. बट जो इनपुट जो आया वो कोई इनपुट बाहर से तो नहीं आया, ये तो कांग्रेस की इंटरनल ही इनपुट रहा कि भाई हम गुजरात में बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पर
थोड़ा सा हमने काम करने की जरूरत है। तो ये इनपुट तो लीडरशिप, गुजरात की लीडरशिप से ही आया है। हाँ, सबने साथ में मिलकर लग गए और उसका रिजल्ट भी आपने देखा। ठीक है, हम सरकार में नहीं आ पाए लेकिन बीजेपी को करारी शिकस्त तो हमने दी। 2017 के रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग में गुजरात कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। शायद किसी ने नोटिस किया हो, नहीं किया हो, लेकिन 2017 से पहले गुजरात में यहाँ के प्रदेश के नेता इतने हावी थे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन 17 के चुनाव में जो रिजल्ट आए, एक लेवल तक पहुँचे, एक लेवल तक फाइट, जहाँ फील हुआ ग्राउंड में कांग्रेस फील हुआ यहाँ के वोटर्स को और यहाँ के आपकी ऑपोजिशन पार्टी को, उसके बाद 17 के रिजल्ट के बाद इस लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी की पसंद में गुजरात के लीडर कहीं पे भी हावी नहीं होने दिया आपने। ये सब डिसीजन ज़्यादातर राजीव जी ने ग्राउंड पे, या तो थर्ड पार्टी एजेंसी का रिपोर्ट, या तो राहुल जी की जो आप बोलते कि सेंस, उस हिसाब से ही टिकट बांटे गए। देखिए, राहुल जी ने जो कांग्रेस में बदलाव लाया है, ये कोई गुजरात वाला लाइन है नहीं, ये देश में कांग्रेस में बदलाव राहुल जी की ये सोच है। और सोच ये है कि जहाँ पर जो बेस्ट आदमी है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगर एक लोकसभा में 101 आदमी वहाँ का अच्छा कैंडिडेट है तो उसको गुटबाजी में, कई दूसरे इश्यूज में उसको बाजू नहीं होना चाहिए। राहुल जी की उसमें बहुत क्लियर लाइन है और इसी लाइन पर पिछले कई दिनों से कांग्रेस में काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में हमने 2/3 के आसपास सीटें लाई, तो वही लाइन थी कि कैप्टन अमरिंदर जी बड़े नेता है वहाँ के, लेकिन कैप्टन अमरिंदर जी कहीं गलत डिसीजन ले रहे हैं तो हम रोकेंगे उनको। तो ये सब जगह पर अब राहुल जी ने बड़े ताकत से इसको शुरू किया है। पहले जनरली ये होता था कि भाई एखादा सीनियर लीडर कहीं पर कुछ बोलता है तो उसको हाँ कहा जाता था, अब राहुल जी ने ये बड़ा क्लियरली लाइन लिया है कि जहाँ पर जो जमीन पे वहाँ पर काम कर रहा है, जो जमीन से जुड़ा है, उसको हम वहाँ पर ताकत दें। ये बहुत स्पष्ट लाइन है जो कांग्रेस में जो बदलाव अभी दिख रहा है कि जमीनी नेताओं को ताकत मिले, ये राहुल जी की सोच। और शायद इसीलिए कंपल्सन किया था क्योंकि बहुत सारे आपके जो प्रत्याशी वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। सही है, प्रेशराइज किया, फोर्स किया कि आपको ग्राउंड में आना ही है। जैसे कुमारी शैलजा का फोर्स किया, 14 नहीं लड़े थे उनको, बोला ये स्ट्रेटेजी मुझे जानना है। इसमें राहुल जी की स्पष्ट लाइन ये है कि भाई आपको लोगों के बीच में रहना है, आपको चुनाव लड़ने हैं, लोगों का मैंडेट लेना है। आप में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और आम आदमी में दूरी नहीं हो सकती, इसलिए स्पष्ट वो लाइन उन्होंने रखी है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि कई सारे नेता की ये लाइन रहती थी कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा है और पिछले 4-5 साल से वो कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ के वहाँ पर जाना है और जमीन वहाँ की आपको और नरिश करनी है। क्योंकि जनरली ये बीच में थोड़ा सा ये हुआ था कि भाई छोड़ दो, जमीन नहीं रही तो भी चलेगी। अब कांग्रेस में आपको अगर लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आपको जमीन चाहिए और जमीन में ही काम करना पड़ेगा। अलायंस की बात करें, ज़्यादातर दिक्कत कांग्रेस अभी अगर फेस कर रही है तो अलायंस की, क्योंकि जो पुराने साथी थे मेरे हिसाब से है नहीं, अगर साथी है भी तो एक प्रदेश में है, दूसरे प्रदेश में है नहीं। अगेन यहाँ पे लोग दूरी रखना चाहते क्या बाकी साथी पक्ष, या कांग्रेस ने खुद ने स्ट्रेटजी बनाई है कि वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस का टारगेट 2019 नहीं है, इज इट सो? हमारा टारगेट 2019 था, है और रहेगा भी, उसमें कोई सवाल ही नहीं। हर क्षेत्र में वहाँ की लीडरशिप से बात करके डिसीजन हुआ है। तो जैसे दिल्ली में हो सकता है कि दिल्ली की वहाँ का अलायंस करना है नहीं करना है, दिल्ली की लीडरशिप तय करेगी। महाराष्ट्र में अलायंस करना है नहीं करना है, महाराष्ट्र की लीडरशिप। ये जो स्थानिक लेवल पर जो एटोनोमी या स्थानिक लेवल पर डिसीजन मेकिंग का जो अधिकार राहुल जी ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, जिस प्रकार से ये अलायंस के इसमें तो राहुल जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर लोकल यूनिट नहीं कह रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर हाईकमांड खुद डिसाइड करता है। नहीं, ये राहुल जी, वंस ही इज लीडिंग द कंट्री, नहीं इसमें बहुत पूरा पार्टी अगर लीड कर रहे है तो ये हो सकता है कि आने मतलब रिजल्ट अगर अगेंस्ट में नहीं आया तो कह सकते हैं कि आपके प्रदेश ने ना कहा था इसलिए ये हुआ। इसमें कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, नेताओं की जो आवाज है, आपने देखा होगा कि हमने लोकसभा के कैंडिडेट्स तय करते वक्त भी शक्ति से कार्यकर्ताओं से राय ली है। तो इतना फ्रीडम है? हाँ हाँ, मीन्स उनका तो बहुत स्पष्ट लाइन है कि भाई ये एक आदमी पार्टी नहीं चलाएगा, दो आदमी पार्टी नहीं चलाएंगे।
हम सब लोग मिलकर पार्टी चलाए, आप जिम्मेदारी लो और आप डिलीवर करो। लेकिन आप जो बता रहे हो कि इतना फ्रीडम है, राहुल जी अगर प्रदेश में बात करते कि आपको अलायंस करना नहीं करना है, आपको पॉजिटिव लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन इसके सामने सीधा सवाल ये आता है कि आपको छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो उनका कहना है कि राहुल जी तो सुनते ही नहीं है, यहाँ पर तो फ्रीडम है ही नहीं, हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, इसलिए बार 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 एक दो तीन पाँच मतलब उंगलियाँ भर गई, अभी लोग छोड़ने लगे, यानी फ्रीडम नहीं है। उन लोगों का कहना है, आप ही के MLAs का कहना है। देखिए ये बात तो 17 में भी थी, 17 में 14 लोगों ने अहमद भाई पटेल जी के चुनाव में वोट नहीं किया था, और ये सवाल तब आपने 14 में भी पूछा, 17 में भी पूछा था, क्या 43 धारा सभ्य आएंगे आपके सरकार बनाने का, छोड़ो 43 तो मेंटेन कर पाऊंगा। मैं फ्रीडम की बात करो, रिजल्ट तो, दो नंबर की बात है। हाँ, तो रिजल्ट दो नंबर की बात है। ये जो लाइन है, मुझे बताइए कि लीडरशिप आपसे बात करती है, लीडरशिप आपसे इंटरेक्ट करती है, लीडरशिप आपको जिम्मेदारी देती है, लीडरशिप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, लीडरशिप आपकी बात सुनना चाहती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो जैसा है नहीं कि मार्गदर्शक मंडली में डाल दो कि खत्म कर दो, हमारा उनके जैसा भी नहीं है कि दो आदमी की बात सुनी जाती है, हमारे यहाँ तो लीडरशिप सबकी बात सुनती है, उसके ऊपर काम होता है। लेकिन हाँ, अगर फ्रीडम का मतलब यह है कि मैं ही चाहूंगा वही होना चाहिए, नहीं तो मुझे तो फ्रीडम ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। सबकी बात सुनी जाएगी और सबके बात से ही डिस्कशन से रिजल्ट होगा, और जो डिस्कशन से एक बार तय हो गया तो वो फॉलो भी करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर पाओगे कि बस आप अकेले की बात हर वक्त रखोगे। राजीव जी, मुझे बहुत जेन्यून, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जो भी दिल में है ना बोल देते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। मैं जेन्यून राजीव साटव, ये प्रभारी के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल कॉमन एक वोटर के हिसाब से पूछता हूँ, एक इंडियन सिटीजन के हिसाब से पूछता हूँ सवाल। कई बार फायदा लेने के लिए हम किसी ज्ञाति के बड़े लीडर को पॉलिटिकल पार्टी में ले आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ उनका बार्गेनिंग या तो ब्लैकमेलिंग एक लेवल से बढ़ जाता है। मेरा सवाल ये है कि ज्ञाति की राजनीति जिस तरह से हावी होती जा रही है, कितनी नुकसान वाली कितनी फायदे वाली? देखिए, जो बेसिक इश्यूज है ना, इसके ऊपर काम करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आज की तारीख में जो आप पूछोगे गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, तो युवाओं की बेरोजगारी, खेडूतों की परेशानी, इसके ऊपर काम होना बड़ा जरूरी है, जो कांग्रेस का प्रभारी के रूप में मेरी सोच। मेरा ज्ञाति का सवाल है नहीं, मेरा उसके लिए जवाब यही है कि जब तक मेरे युवाओं को अवसर नहीं मिलेंगे और मेरे किसान को उपज को दाम नहीं मिलेगा, तब तक सही मायने में वो ज्ञाति के लीडर ब्लैकमेल करते हैं। देखिए, मेरी बहुत सीधी और स्पष्ट लाइन है कि मैं पार्टी इंटरेस्ट से उठकर किसी को पार्टी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना। जब जरूरत थी कांग्रेस को 2017 में क्राउड पुलर की जरूरत थी, उस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि गुजरात कांग्रेस का एक भी नेता क्राउड पुल नहीं कर सकता था, उस वक्त उनके कंधों पर बैठना पसंद किया कांग्रेस ने। जब लगा कि हमारी बारात यहाँ तक पहुँच गई है, फिर दोनों को उठा के साइड में रख दिया। देखिए, आपको जिला पंचायत में भी जिम्मेदारी दी, आपको धारा सभ्य में भी जिम्मेदारी दी, आपको कैंपेन कमेटी के को चेयरमैन के रूप में भी जिम्मेदारी दी, आपको जितनी कमिटीज़ हमने बनाई उसमें हमने जिम्मेदारी दी, आपको विधानसभा की जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसमें हमने आपको जिम्मेदारी दी। अब जितना जिम्मेदारी दे सकते थे उतनी दी, अब उससे ज्यादा, यानी उससे भी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा हम नहीं दे सकते, बढ़ रही थी, या पर्सनल कंपल्शन हो सकते हैं किसी के। देखिए, 2017 में तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चले गए, यानी हमारा जो लीड कर रहा था, विरोध करने के लिए जो लीड कर रहा था वही निकल गया, फिर भी तो हम लड़े और अच्छे तरीके से लड़े। तो इसलिए कांग्रेस में तो ये बहुत बार हुआ और हमने बहुत कोशिश की, हमने साथ में लेने की कोशिश की, लीडरशिप बढ़नी चाहिए, लेकिन आज ही सब मुझे चाहिए ये नहीं हो सकता है। यानी आप मुझे बता रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, मैं आज ही कहूँ कि मुझे ये भी दो फिर बाद में ये भी करो फिर वो, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अकोमोडेट, सबको अकोमोडेट करने की हमारी लाइन है, लेकिन पार्टी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज हम नहीं होंगे। राजू जी, आउटसोर्सिंग का इश्यू है ना, वो ज़्यादातर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जीत के लिए कभी कभी तोड़ के लेके आती है, यहाँ से उठा लो वहाँ से उठा लो। मैं अगेन एक कार्यकर्ता, क्योंकि आपने बिल्कुल विद्यार्थी नेता के हिसाब से अपनी कारकिर्दगी शुरू की, कॉलेज में भी, NSUI में भी, ये सब, क्या लगता है आपको कि जो मूलतः जो बेस का जो कार्यकर्ता है उसे कई बार मतलब दुख होता है
कि पूरा साल, पूरे 5 साल जब मेहनत करते और जब टिकट देने की बात आती है, फटाक देके बाहर से कहीं के उठा ले, और इसमें से कोई भी पार्टी बाकी नहीं है। देखिए, ये जो मामला है इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप सही लेवल पर सही इंडक्शंस आपके इसमें हो, यानी अगर ब्लॉक स्तर पर कोई काम कर रहा है तो उसको आपका संगठन उसको साथ में ले सके। जैसे आपने कहा एनएसयूआई, कहा मैंने एनएसयूआई से काम किया, बट अगर मुझे एनएसयूआई से मौका नहीं मिला होता तो मुझे यूथ कांग्रेस में मौका नहीं मिलता, यूथ कांग्रेस में नहीं मिलता था तो मैं ये सीनियर इसमें आता नहीं था। तो फेयर चांस देना, इसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और वो निचले स्तर से इंक्लूजन में काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और ये जनरली क्या हो रहा है, ये कभी बाईपास के जैसा हो रहा है, जनरली ये एक आधा ब्लॉग निकालने के जैसा हो रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य कैसे तंदुरुस्त रहे, इसके ऊपर बेसिकली संगठन कितना मजबूत रहे और हर लेवल पर उसमें काम करने वाले लोग जुड़े भी और उनको सम्मान से आगे जाने का मौका मिले, ये इसमें मैं बिलीव कर रहा हूँ, करता भी, और राहुल जी की ये सोच है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मानना बहुत क्लियर है कि हमारे वर्किंग में और कई सारे बदलाव की ज़रूरत है और हम उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह से हमारा परफेक्ट काम चल रहा है। हाँ, बहुत बदलाव की ज़रूरत है, जो साथी कांग्रेस से जुड़े नहीं है उनको और जोड़ने की ज़रूरत है, कांग्रेस की विचारधारा को और ज़्यादा ताकत से लोगों में लेकर जाने की ज़रूरत है, और अगर कोई अच्छा एनजीओ में काम करने वाला साथी है तो वो हमने आइडेंटिफाई करके हमने जोड़ लेना चाहिए। किसी बूथ पर, किसी ब्लॉक में या किसी वार्ड में काम करने वाला एक आधा युवा है तो उसको हम देख ले, उसको जोड़ ले, कांग्रेस की विचारधारा से संलग्न करें तो उसका फायदा ही है। लेकिन जब संगठन वो उसको पहचानने में कहीं ना कहीं कमी रहती है तो फिर संगठन वीक होता है, और उसके ऊपर राहुल जी ने देश में काम शुरू किया। एग्रेशन लेवल की बात करें, कई लोगों का जो भी विशेषज्ञ है, खास करके ये बिल्कुल मॉनिटर करते हैं पॉलिटिकल जो भी गतिविधि है उसको, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एग्रेशन कम पड़ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, एक एक इश्यू, एक आज दूसरा कल, ये इसमें कहीं पे थोड़ा वीकर है या ये इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी? देखिए, आप हर रोज झूठ बॉम्बार्डिंग करो, कितने दिन तक करोगे? आपने 15 लाख बोला था, आपने 2 करोड़ बोला था नौकरियों का, आपने काला धन लाने की बात की थी, ये तो कारपेट बॉम्बिंग ही थी ना, तो 5 साल में कारपेट बॉम्बिंग का क्या इफेक्ट आया? तो स्पष्ट लाइन है, लोगों को पता है, थोड़ा समय लगता है, 14 में हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन जो बातें इन्होंने की कही थी कि ये देखिए तो भ्रष्टाचार हुआ है, हम इनको जेल में डालेंगे, 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, लोगों को पता है, एक सब कारपेट बॉम्बिंग थी, और हर रोज झूठ बोलने की कॉम्पिटिशन लग रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों के समझ में आ गया कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप सही रास्ते पे चलो, थोड़ा स्लो चलो, उसका फायदा है। तो आपको लगता है कि बिल्कुल ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है? पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी नहीं, ये नेचुरल वे ऑफ लाइफ है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने, मैं गुजरात की बात करता हूं, जिस तरह से यहां के लोगों में एक माहौल खड़ा किया कि बिल्कुल विकासशील राज्य, हर एक इंसान की प्रगति हुई है यहाँ पे, यानी कि लोग डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हर इंसान, मतलब हर एक लोग समझने लगे कि हाँ हम तो डेवलप हो चुके। इस बीच में गरीबी की बात करना, क्योंकि ये ना साइकोलॉजिकल वॉर होता है, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज है वो बिल्कुल वाटर की साइकोलॉजी के साथ खेलना है। यहाँ पे हर लोग मानने लगे थे कि हाँ हम तो बहुत डेवलप हो चुके, उसमें जाके बिल्कुल नीचे के स्तर के जो लोग हैं उनकी बात करना, ये कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है। तो ये मैच हो रहा है, आप देखेंगे कि हम 15 लाख देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम 72,000 रुपये गरीब के खाते में डालने की बात कर रहे हैं, और ये कोई 500 और 1000 के नोट बंद करने वाला डिसीजन नहीं है जो एक आदमी कोई डिसीजन लेता है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, देश के अर्थशास्त्रियों ने बैठ कर लिया हुआ डिसीजन है। और अगर आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ माफ कर सकते हो, आप जिस प्रकार से विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर भाग जाता है, 3.5 लाख करोड़ आप 15 लोगों के माफ कर सकते हो, 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हो और उसको बाद में पूछते नहीं हो, तो हम 72,000 रुपए इस देश के 25 करोड़ परिवार के 25 करोड़ लोगों के हाथ में क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा लाइन है,
और इस लाइन पर हम जाना चाह रहे हैं और उसी दिशा में हमारा आगे का काम शुरू है। और ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो बहन 2014 में देख रही थी वो नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 350-450 रुपए सिलेंडर था, उसको उस वक्त लग रहा था कि अरे भाई 450 में हुआ है, मोदी जी आएंगे तो 200-250 में होगा, अब 900-950 हो गया। उस वक्त डीजल जिस प्रकार से कम लेवल पर था, आज तो डीजल बढ़ गया, आज तो पेट्रोल बढ़ गया, तो हर आम आदमी को हर रोज इसकी मार झेलनी पड़ रही है और हर आम आदमी, आम नागरिक इससे परेशान है। और इसीलिए इसका सोल्यूशन हम लेकर आए, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, हम उसके साथ सोल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हमारा नरेटिव अगर होता था कि हाँ आपने ये बोला ये डाला नहीं, हम कह रहे हैं हाँ आपने 15 लाख बोला था डाला नहीं, हम 72,000 बोल रहे हैं, हम 72,000 डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये देश के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि देश की इस अर्थव्यवस्था में आप ये पैसे डाल सकते हो। और हम इसमें टैक्स नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम ये इनकम टैक्स से नहीं पैसे लाएंगे, हम ये कोई GST बढ़ाकर पैसे नहीं लाएंगे, हम बाकी रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन करके ही ये करेंगे, ये हमारी स्पष्ट लाइन है। और इसलिए हम, आपने क्या नहीं किया ये तो बात बता ही रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे हम 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम 24 लाख नौकरियां जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में खाली है वो एक साल में हम भरना चाह रहे हैं, ये हमारा एजेंडा है और हम भर के दिखाएंगे। युवा जो बेरोजगार है उसको कोई भी बिजनेस करना है तो उसको किसी परमिशन की जरूरत 3 साल तक नहीं रहेगी, ये हमारी लाइन है, हम उसमें जाना चाह रहे हैं। राजीव जी, बिलो बेल्ट अटैक, वक्त बहुत कम है, सवाल बहुत सारे पूछे, लेकिन बिलो बेल्ट अटैक का जो सीजन हुआ है और डे बाय डे इलेक्शन बाय इलेक्शन ये बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये ठीक नहीं है देश की राजनीति के लिए। जो लॉन्ग टर्म का सोच आप रखेंगे तो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अगेन सबसे बड़ा सवाल, हिंदी बेल्ट 3 स्टेट में तो कर दिया, लेकिन यूपी जो गढ़ था कांग्रेस का, कहीं नामों निशान नहीं है, कहीं खो गई है कांग्रेस, कहाँ होप दिख रही है सत्ता आने की, क्योंकि प्रत्याशी इतने खड़े नहीं किए और साथ में कोई चलने वाला है नहीं, उंगली पकड़ के चलने वाली हालत अभी कांग्रेस की आ गई है, कांग्रेस अकेला है, नब्बेज है, यूपी के बारे में क्या आकलन है? क्योंकि राजीव जी का आकलन कहीं ना कहीं एक लेवल तक बहुत सत के नज़दीक भी होता है। यूपी में जो आप बात कह रहे हो, यूपी में मैंने 2012 के चुनाव में भी काम किया था, मैं बीच में यूपी में बहुत सालों से मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, लेकिन इस बार जो होप वहाँ पर राहुल जी और प्रियंका जी के वहाँ पर एक्टिव होने से जो लगी है, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और मैं ज़रूर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का होगा। और बीजेपी जो 70-72 सीटें लेकर आई थी यूपी से, उसमें बड़ी मार उनको वहाँ पर गिर रही है। हाँ, हम अलग लड़ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट आप देखोगे तो रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की हारी हो। लास्ट सवाल, कांग्रेस के 3 स्ट्रांग पॉइंट क्या है जिससे गुजरात में बेहतर परफॉर्म कर सकती है? कांग्रेस ने इस बार जो बात रखी है वो स्पष्ट हमने कहा है कि हम सॉल्यूशंस की राजनीति में काम करना चाह रहे हैं, हम सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, हम युवाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं, हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाना चाह रहे हैं। आज शिक्षा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आज स्वास्थ्य का मामला प्राइवेटाइजेशन हुआ है, किसान का खेडूत का पाक बीमा प्राइवेटाइजेशन वाली लाइन है, इसको हम हटाना चाह रहे हैं, इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधा मिले, मेरे बच्चे को पढ़वाना है तो उसको डोनेशन न देना पड़े, हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाना चाह रहे हैं, युवाओं को रोजगार और किसान को सही मायने में न्याय। तो ये मुद्दे लगते हैं आपको कि जो कांग्रेस को पॉजिटिव, अभी लास्ट सवाल, आपने पॉजिटिव इश्यूज तो बता दिए, 3 नेगेटिव साइन क्या दिख रही है आपको कि जहाँ पे शायद हो सकता है कि जितना चाहते उतना परफॉर्म नहीं कर सकते, जो इम्प्रोवाइज भी जरूरत है? इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत तो हर वक्त होती है, और मुझे लगता है कि कुछ हमारी 2-3 सीटें ऐसी ही कि जिसमें और काम करने की ज़रूरत है, आने वाले समय में हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच राजीव जी हमसे बात करने के लिए। दर्शक मित्रों, मिशन इलेक्शन में आज नहीं बात राजीव सातव साथ नहीं, फरी मड़ीशू आवती काले एक नवा गेस्ट साथ, नवा विषय साथ, त्यास आप नमस्कार। अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? आप कहते हो 56 इंच की छाती है, जब छाती इतनी बड़ी होगी तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है।